हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ये है हमारे पास कैनन की एडवांस 4245 सीरीज़ की मशीन। तो दोस्तों, इस मशीन में हम एलिमेंट को चेंज करना बताएंगे आपको, क्योंकि हमसे टेफ्लोन चेंज करते में एलिमेंट टूट गया था। तो इसमें हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है और एलिमेंट को चेंज करते समय और टेफ्लोन को चेंज करते समय हमें क्या क्या प्रिकॉशंस और क्या क्या सावधानी रखनी है, तो इस बारे में आज आपको बताऊँगा और हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास कैनन की एडवांस सीरीज़ की 4245 सीरीज़ की मशीन है। इसका सीरियल नंबर यहाँ लिखा हुआ है। तो इसके बारे में हम आज का आपको थोड़ा डिटेल से बताएंगे। तो दोस्तों, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप इसको पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको समझ आ जाएगा कि हमें टेफ्लोन चेंज करते समय क्या क्या सावधानी रखनी है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टैब पे मिल पाएँ। क्योंकि दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी टेक्निकल और नॉलेजफुल वीडियोस लाते रहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी मशीन है। और दोस्तों, इसके साइड डोर मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये इसमें फिक्सिंग अभी हमने लगा दी है। तो दोस्तों, ये है फिक्सिंग। इसके हम टेफ्लोन चेंज कर रहे थे, तो टेफ्लोन चेंज करते में इसका जो ओरिजिनल एलिमेंट है वो हमसे टूट गया है। तो टूट गया है, उसके बाद भी हमने इसमें एक कैपिटेबल जो एलिमेंट आता है वो भी हमने इसमें लगाया था। तो दोस्तों, वो भी सही फिटिंग ना होने के कारण वो भी टूट गया है। तो दोस्तों, ये गलती आपसे ना हो और आपका नुकसान ना हो, इसलिए मैं आपको आज जो बताऊंगा कि इसमें हमें एलिमेंट डालते समय और टेफ्लोन को चेंज करते समय क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है, जिससे कि हमें नुकसान ना झेलना पड़े। तो मेरा तो नुकसान हो गया है, लेकिन दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि अपने भाइयों का भी नुकसान हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें फिक्सिंग को बाहर निकालना है। फिक्सिंग को बाहर निकालने के लिए एक ये वाला स्क्रू ओपन करना पड़ेगा और एक ये वाला स्क्रू ओपन करना पड़ेगा। तो इनको मैं ओपन करके बाहर निकाल के इसको एक सेपरेट जगह रख लेता हूँ, फिर आपको इसको बताता हूँ कि इसको कैसे खोलना है और उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है। तो दोस्तों, मैंने ये फिक्सिंग यूनिट को यहाँ पर खोल के रख लिया है। तो दोस्तों, इसको मैं आपको बताता हूँ कि इसको खोलना कैसे है और हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इसको फिक्सिंग को खोलने से पहले हमें इसकी ये वाली पत्ती बाहर निकालना पड़ती है। तो दोस्तों, और ये वाला जो आपको वायर दिख रहा है लूज़ है, वो भी यहाँ कसा हुआ होता है। तो ये भी अभी हमने इसको टेम्परेली फिट कर दिया था, तो इसको भी यहाँ से हमें खोलना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसमें थोड़े स्क्रू लगे होते हैं यहाँ पत्ती में, आपको दिख रहे होंगे, तो वो हमें बारी बारी से सारे खोल लेना है। तो दोस्तों, ये स्क्रू खोलने के बाद ये हमारा ये वाला वायर है, ये बाहर आ जाएगा। तो उसके बाद इसे सिंपली आप इसको धीरे से ऊपर करके उठाओगे तो ये बाहर आ जाएगी। ये बाहर आ जाएगी, तो इसको हमें साइड में रख देना है। दोस्तों, उसके बाद ये वाले जो लॉक हैं, और या फिर आप इसको भी निकाल सकते हैं, इसका ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, इसके लिए सिर्फ हमें एक स्क्रू को खोलना पड़ेगा, जो कि दोस्तों यहाँ हमको ये फिक्सिंग को खड़ा करना पड़ेगा। खड़ा करने के बाद इसमें दोस्तों ये एक लॉक लगा होता है यहाँ पर, इसमें देखिए यहाँ पर ये स्क्रू लगा हुआ है ये वाला। तो इस स्क्रू को हमें खोलना है, इस स्क्रू को खोल के आप साइड में रख दीजिए। और स्क्रू को खोलने के बाद ये दोस्तों आपको ब्लैक कलर का ये लॉक दिख रहा है, इसको आपको धीरे से हिलाते हुए ऊपर खींचना है। तो ये हमारा ये जो ब्लैक वाला पार्ट है, ये भी बाहर आ जाएगा। इसको देखिए आप आराम से निकाल के बाहर रख लीजिएगा। रखने के बाद दोस्तों, ये वाले जो आपको स्क्रू दिख रहे हैं, ये पत्ती के एक इधर है, एक इसके लेफ्ट में राइट में, तो इनको भी हमें खोलना पड़ेगा। तो पहले हम इसका लेफ्ट साइड से ओपन करते हैं। तो दोस्तों, स्क्रू को ओपन करने से पहले आप आराम से ध्यान रखिएगा कि स्क्रू स्लिप होके इसके टेफ्लॉन में ना टकराए, क्योंकि दोस्तों एडवांस मशीनों के पार्ट्स काफ़ी महंगे आते हैं। तो दोस्तों, ये वाला स्क्रू भी हमने खोल लिया है। खोलने के बाद ये है इस राइट साइड का भी स्क्रू हमें खोल लेना है, इस तरफ से भी हमें स्क्रू को खोल लेना है। ये दोनों स्क्रू खुल जाने के बाद दोस्तों, हमें ये वाली पत्ती है, ये पत्ती को भी खोलना पड़ेगा। तो इसमें भी राइट में एक लॉक वो स्क्रू होता है ये वाला,
तो इसको भी हमें खोल के इस पत्ती को भी निकाल देना है। तो दोस्तों ये स्क्रू खोलने के बाद ये पत्ती बाहर आ जाएगी, इसको भी साइड में रख देना है दोस्तों। उसके बाद में आपको ये वाली जो पत्तियां दिख रही हैं लेफ्ट और राइट में, एक ये वाली है और एक ये वाली, इसको आपको हल्के से उठा के प्रेस करना है तो ये ऐसे खुल जाएगी, और ऐसे ही राइट साइड में करना है। तो ये देखिए दोस्तों ये खुल गई है। खुलने के बाद ये जो टेफ्लॉन है दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे ये टेफ्लॉन है, ये बाहर आ जाएगी हमारी। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, ये टेफ्लॉन के नीचे एक एलिमेंट लगता है, तो जो टेफ्लॉन हम चेंज करते हैं तो क्या है, हमने इसको पूरे इसका जो बेस होता है वो हमने एक तरफ से ऐसे पकड़ लिया, तो क्या है जो इसका बेस होता है काफ़ी नाजुक होता है, तो वो टूट गया था बेस के साथ। तो इसका टुकड़ा भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये उसका टुकड़ा है। तो क्या हमने इसको जोड़ने की काफ़ी कोशिश की थी लेकिन ये जुड़ा नहीं था, और ये इसका क्लिप है जो इसके राइट साइड लगता है। तो दोस्तों जब इसका ओरिजिनल एलिमेंट टूटा था तो उसके बाद हमने इसमें कैपिटेबल एलिमेंट भी लगाने की कोशिश की थी, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये रखा हुआ है हमारे पास। तो इसके भी दोस्तों देखिए आप कितने टुकड़े हो चुके हैं, और दोस्तों इसमें ये क्लिप और ये बेस को हमने जोड़ने की काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन ये बेस को जुड़ने के बाद जब भी हम इसमें ये क्लिप लगाते थे तो ये बेस बार बार टूट जाता था। तो क्या दोस्तों हमने इसमें ये टांके लगा दिए थे, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो ये टांके लगाने के बाद ये वाला जो एक हिस्सा निकल रहा है, तो ये जो ब्लैक वायर होता है जो बेस में निकलता है और यहाँ पर लगता है दोस्तों, इस जगह ये खाली जगह पर यहाँ लगता है ना, उस ब्लैक वायर में हमने इसको भी सोल्डिंग कर दिया था, इस वाले हिस्से को भी। तो क्या है ये हमारा प्लिक का इसमें काम ख़त्म हो जाता है, तो प्लिक हमने निकाल के साइड में रख दिया था। तो दोस्तों मैं अब आपको उसको निकाल लेता हूँ, फिर उसको आपको दिखाता हूँ कि इसमें हमें क्या क्या सावधानी रखनी है, और इसको भी मैं अच्छे से ओपन कर लेता हूँ पहले। तो दोस्तों इसको टेफ्लॉन को उठाने से पहले आप ध्यान रखना कि इसमें यहाँ पे एक ये कनेक्टर लगा होता है, तो ये कनेक्टर को दोस्तों आप किसी चिमटी की हेल्प से इसको पहले निकाल लेना, इसमें लॉक होते हैं इधर उधर, तो इनको है ना आप आसानी से पहले बाहर निकाल लेना, क्योंकि दोस्तों इसको जब आप उठाओगे ना तो ये क्या टकराता है बार बार, उसकी लेंथ कम हो जाती है। तो इस कनेक्टर को आप निकाल लोगे तो दोस्तों ये क्या है टेफ्लॉन पूरी अच्छे से उठ जाएगी। दोस्तों जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये क्या है देखिए, तो दोस्तों इसको उठाने के बाद इस तरीके से आप रख लीजिएगा, जैसे कि दोस्तों देखिए ये फिर से इसका जो प्लक है बाहर आ गया, और ये वाला ये पत्ती लगी है ये भी बाहर आ गई। तो सावधानी से इनको आप साइड में रख दीजिएगा, उसको निकालते समय भी आप ध्यान रखना कि ये बहुत ही आसानी से निकलते हैं और स्लिप भी बहुत जल्दी होते हैं, तो इनमें टूटा फूटी बहुत जल्दी होती है। ये इसका ब्रश है तो इनको साइड में रख देते हैं हम। और दोस्तों ये इसकी टेफ्लॉन है जो कि हमें आराम से करके बाहर निकालनी है, ये मेटल टेफ्लॉन होती है, तो क्या इसको हमें सावधानी से रखना पड़ता है, वरना ये भी बहुत जल्दी फट जाती है और नुकसान फिर ज़्यादा होता है दोस्तों। तो टेफ्लॉन भी हमने तब साइड में रख दिए। टेफ्लॉन रखने के बाद दोस्तों मैं आपको इधर दिखाऊँ इसका बेस सीधा करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो इसका बेस है वो देखिए टूट गया है, यहाँ पे आप दोस्तों देख पा रहे होगे इसका जो ये बेस है यहाँ पर लगा हुआ है वो टूट गया है, उसका टुकड़ा दोस्तों ये रखा हुआ है ये, तो इसका ये टुकड़ा है यहाँ पर ऐसे कनेक्ट होता है, ये इस तरीके से यहाँ पर ऐसे कनेक्ट होता है। मैं आपको और क्लियरली दिखाना चाहता हूँ, ये क्या दोस्तों यहाँ ऐसे रहता है कनेक्ट, यहाँ इस तरीके से रहता है दोस्तों। तो क्या हमसे ये मिस्टेक हो गई थी
कि हमने इसको इसी तरीके से इस पकड़ लिया था और पूरा वजन क्या है दोस्तों इसी लॉक पे आ गया था। तो यहाँ एलिमेंट भी लगा था तो एलिमेंट के साथ साथ ये बेस भी टूट गया। और उसके बाद जब हमने दोबारा लगाया अपने नए दूसरे एलिमेंट को तो दोस्तों आप वो भी देख रहे हो वो भी टुकड़ों में टूट गया। तो दोस्तों सावधानी आपको रखनी है इसमें एलिमेंट को लगाते समय। दोस्तों इस तरफ ये भी एक प्लिक लगा हुआ है तो आप इसको भी निकाल दीजिए प्लिक को। प्लिक को दोस्तों निकालने के लिए ये वाला लॉक है इसको प्रेस करके आप थोड़ा हल्के से हाथों से बाहर खींचोगे ना तो ये भी बाहर आ जाएगा। दोस्तों उसके बाद आपको ये वाला लॉक है ये भी बाहर निकाल लेना है। ये आपको साइड में रखते जाना है क्योंकि ये सब बाद में हमें लगाना पड़ेंगे। और ये है इसका ये वाला ब्रश है तो इसको भी हमें निकाल के साइड में रख देना है फिर हम इसको भी लगाएंगे। तो दोस्तों पहले मैं आपको यहाँ इसका बेस दिखाता हूँ। दोस्तों ये देख पा रहे हो आप दोस्तों ये इस तरीके से होता है ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये पूरा अच्छे से जुड़ा होता है। इसी तरीके से लेफ्ट में राइट में भी होता है जो कि हमने दोस्तों इसको धोखे से इसी के भरोसे पकड़ लिया तो ये क्या है पूरा का पूरा ख़राब हो गया टूट गया। और जो इसमें ओरिजिनल एलिमेंट लगा था वो भी पूरी तरीके से ख़राब हो गया। तो दोस्तों इसमें क्या है हमें अब जब एलिमेंट फिट करना है तो दोस्तों इसके जो पॉइंट होते हैं ब्लैक वाले आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये ब्लैक पॉइंट है ना इन पे हमें है ना ग्लू गन की मदद से थोड़ा थोड़ा सा ग्लू रख देना है। उसके बाद एलिमेंट को इस पे हमें सेट करना है और उसको थोड़ी देर में अच्छे से फिट होने के बाद फिर हमें इसको धीरे धीरे दोबारा से सेट करना है। और ये वाला जो पार्ट है दोस्तों तो ये इसमें अगर जुड़ता है तो मैं कोशिश करूँगा कि ये जुड़ जाए अदरवाइज़ फिर हम जो नया एलिमेंट है जो दोस्तों हमने मंगाया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये है वो एलिमेंट जो हमने भी नया मंगाया है। दोस्तों इसको हम डालेंगे और अगर फिट होने के बाद ये जो इसका बेस का हिस्सा है ये वाला जुड़ता है तो ठीक है अदरवाइज़ इसमें भी हम है ना सोल्डिंग करके इसको अच्छे से फिट करेंगे। दोस्तों मैं पहले इसमें एलिमेंट को अच्छे से फिट कर देता हूँ इसमें यहाँ पे इन पॉइंटों पर ग्लू डालकर इसको अच्छे से चिपका देता हूँ फिर उसके बाद मैं आपको आगे वीडियो में दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये आसानी से थोड़ा सावधानी से करिएगा क्योंकि एलिमेंट बहुत नाजुक होते हैं तो टूट जाते हैं। तो मैं पहले इस पर एलिमेंट को चिपका लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। दोस्तों ये जैसे कि ग्लू गन है आप देख रहे होगे तो इसको क्या है दोस्तों एक ब्लैक पॉइंट है इन पे है ना थोड़ा थोड़ा सा ग्लू डाल देना है और ग्लू डालने के तुरंत बाद ही हमें एलिमेंट को इस पर रख देना है। दोस्तों मैं इसको अच्छे से पहले फिट एलिमेंट को इस पर चिपका लेता हूँ फिर उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसको एलिमेंट को चिपकाने से पहले मैंने इसको बेस को पूरा अच्छे से बाहर निकाल लिया है और निकालने के बाद दोस्तों जो मैंने आपको टुकड़ा दिखाया था जो हमारा इसका बेस में से टूट गया था तो उसको मैंने बहुत ही सावधानी से यहाँ पे जोड़ दिया है। अब हमें इसमें सावधानी से अपने एलिमेंट को लगाना है जिससे कि ये टूटे नहीं। तो दोस्तों कोशिश हमारी यही रहेगी कि ये अच्छे से फिट हो जाए लेकिन फिर भी से दोस्तों ये देखिए हल्का सा टेढ़ा लग रहा है। और इधर का मैं आपको बेस दिखाऊँ देखिए ये बिल्कुल सीधा है हल्का सा उठा होता है लेकिन सीधा है यहाँ थोड़ा हमें टेढ़ा लग रहा है ये। तो दोस्तों क्या है इस पे एलिमेंट को फिट करने से पहले इसमें जो ब्लैक होल दिख रहे हैं मैं आपको दिखाऊं ये वाले जैसे ये हैं ब्लैक होल ये आसपास में। तो दोस्तों इन पे क्या है मैं ग्लू थोड़ा थोड़ा ग्लू यहाँ सभी पर रख के इसका जो एलिमेंट है जैसे कि दोस्तों ये एलिमेंट है तो इसको रख के इस पर चिपका देना है। चिपकाने के बाद ये थोड़ा पकड़ बना लेगा अच्छे से तो फिर हमें उसके बाद इसको फिट करना है। तो मैं पहले इसको अच्छे से देखता हूँ चिपकाने की कोशिश करता हूँ उस पर। तो दोस्तों ये हमने अच्छे से इसको एलिमेंट को इस पर ग्लू गन की सहायता से चिपका लिया है।
उन डॉट्स पे ग्लू रख के इसको अच्छे से चिपका दिया है। तो उसके बाद अब हम इस पूरे बेस को अच्छे से फिट कर लेते हैं। फिट करने के बाद ये जो पिलक है इसके जैसे सब हम इसको आसानी से लगाते हैं, और लगाने के बाद इसको हम वापस से इसको टेफ्लॉन वेफ्लॉन चढ़ा के आपको दिखाते हैं हम। तो दोस्तों इसको टेफ्लॉन वगैरह चढ़ा के मैंने बेस के ऊपर और इसकी ये पत्तियाँ वगैरह लगा के इसको बढ़िया अच्छे से फिट कर दिया है। अब इसको टेफ्लॉन को हम उसी जगह फिट करते हैं जहाँ पे ये लगी थी, फिर मैं आपको इसको दोबारा से पैक करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब इसको हमें सिंपली उसी जगह फिट कर देना है जैसे ये लगा था। तो दोस्तों ये इस तरीके से लगा था, तो इसको हमें वैसे ही की वैसे रख देना है। और दोस्तों इसका ये लॉक है जो कि हमने ये वाला लॉक निकाला था, वो हमें उसी जगह पर प्रेस कर देना है अच्छे से। तो दोस्तों इसको सिंपली आपको धीरे से प्रेस करना है तो ये इसमें फिट हो जाएगा। दोस्तों ये यहाँ पर फिट हो गया, और ये वाला जो कनेक्टर है वो हमने यहाँ से निकाला था तो हम इसको वहीं की वहीं लगा देंगे। तो दोस्तों इसका ये कनेक्टर भी लग गया अच्छे से। तो दोस्तों अब इसके बाद हमें ये वाली जो वायरिंग है उसको थोड़ा अच्छे से अरेंज कर लेना है जिससे कि ये फिटिंग में हमें बाद में दिक्कत ना करे। तो अब दोस्तों अब हमें इस तरफ का प्लिक इसमें लगा देना है, जैसे कि इसमें लेफ्ट में ये प्लिक था तो राइट में भी हमें इसमें ये वाला प्लिक लगाना है, ये वाला प्लिक है। तो दोस्तों इसको हमें हल्के हाथों से उठाना है, थोड़ा सा ऊपर उठा के इसकी ये जो प्लिक है वो हमें यहाँ लगा देना है। दोस्तों ये हमने जोड़ा था इस साइड वाला, इसको हमें हल्के हाथों से धीरे से प्रेस करना है। तो ये इसमें लग गया। लगने के बाद दोस्तों ये वाला जो ब्लैक वायर आपको दिख रहा है ना, ये वाला ब्लैक वायर जो टेफ्लॉन वो बेस के अंदर से आया है वो हमें इस खाली वाले सॉकेट में यहाँ लगा देना है। तो मैं इसको भी यहाँ लगा देता हूँ। तो दोस्तों ये वाला स्क्रू भी हमने इसमें कस दिया है। उसके बाद इसको हमें अच्छे से फिट करना है। फिट करने के बाद इसको हमें नीचे की तरफ, ये फिट होती है ये पत्ती, तो ये पत्ती को हमें अच्छे से यहाँ नीचे फिट कर देना है। तो दोस्तों इसकी पत्ती में हमने जो स्क्रू लगाया था वो भी यहाँ फिट कर दिया अच्छे से। उसके बाद हमें सिंपली इसके ये वाली पत्ती है, ये वाले लॉक, तो वो हमें वहीं की वहीं जैसे हमने खोले थे उसी तरीके से लगा देना है। तो इनको भी मैं फिट कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये वाले साइड के जो लॉक हैं, ये वाले, ये भी हमने अच्छे से फिट कर दिए हैं और इनके स्क्रू भी टाइट कर दिए हैं। उसके बाद दोस्तों हमें ये वाला जो पार्ट हमने निकाला था जो मैं आपको दिखाऊं, ये हमें लगाना है। तो इसको दोस्तों ये जो आपको इसमें रॉड दिख रही है इसके ही अंदर इसको लगाना है। दोस्तों ये इस तरीके से लगता है, और दोस्तों आप देखिए यहाँ पर इस तरफ वो जो लॉक हमने निकाला था एक, वो यहाँ पे फंसेगा।
तो वो दोस्तों लॉक इस साइड होता है, जिस साइड गियर होते हैं, तो इसको हमें लगाना है। और पहले दोस्तों हमें इस तरफ के जो इसमें खांचे बने हुए हैं इनको फिक्स करना है। इनमें फिक्स होने के बाद ये जो ब्लैक कलर का लॉक हमने निकाला था वो हमें इसमें इस तरफ से फिट करना है। ये वाला लॉक है दोस्तों, तो इसके लिए हमें फिक्सिंग को राइट साइड से उठाना है, लेफ्ट साइड से। और इसके ये दोस्तों ये आपको होल दिख रहे हैं, इन्हीं में हमें इसको एडजस्ट करते हुए इसमें लगा देना है। लगाने के बाद दोस्तों देखिए आपके अच्छे से मूवमेंट करने लगी है। तो उसके बाद जो हमने स्क्रू यहाँ से खोला था वो स्क्रू हमें वापस यहाँ पे लगाना होगा। तो दोस्तों ये स्क्रू भी हमने यहाँ वापस लगा दिया है। इसके बाद हमें इसके ऊपर जो पत्ती घसी हुई थी ये वाली लगानी है पत्ती को। तो इस पत्ती को लगाने से पहले दोस्तों जो साइड में से हमने ये वाली पत्ती निकाली थी ये वाली, तो इसको हमें लगा देना। इसका ये लॉक निकल गया है, तो दोस्तों ये है ना सिंपली इसी तरीके से लगा होता है यहाँ, तो इसको हमें यहाँ लगाना है लेफ्ट साइड राइट साइड में। इसको लगाने के लिए हमें फिक्सिंग को यहाँ से उठाना पड़ेगा। उठाने के बाद ये जो इसमें लॉक दिख रहा है आपको, ये वाला लॉक, ये यहाँ फंसेगा इसमें। तो इसको फंसाने के बाद ये जो आपको दोस्तों इसमें एक और जो लॉक दिख रहा है इसको आप पीछे की ओर कर लीजिएगा, जिससे कि ये इसके जो दांते हैं वो बराबरी से इसमें मिल जाएंगे। ये मिल जाने के बाद ऐसे इसमें यहाँ एक रॉड आएगी इस होल में, ये रॉड को मिलाते हुए जैसे कि दोस्तों ये आ गई। उसके बाद हमें यहाँ पे स्क्रू को कस देना है, तो मैं स्क्रू को भी यहाँ फिट कर देता हूँ। तो दोस्तों ये वाला स्क्रू भी हमने इसमें कस दिया है। कसने के बाद अब हम इसके ऊपर जो पत्ती लगी थी उसको कसेंगे। पत्ती कसने के पहले हम जो टेफ्लॉन है उसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद ये जो पत्ती है हमने इस पर से निकाली थी इसको हमें यहाँ फिट कर देना है। फिट करने के लिए दोस्तों यहाँ जी आप इसके खांचे देख रहे हैं, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ होते हैं, उनको मिलाते हुए हमें इस पर हल्के से अंदर की तरफ प्रेस करना है, तो ये फिट हो जाएगी। फिट होने के बाद इसमें जो यहाँ पर भी नट लगे थे वो हमें वापस से लगाना पड़ेंगे। तो इसके जो स्क्रू हैं वो मैं भी फिट कर देता हूँ। फिट करके उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस पत्ती को फिट करने के बाद इसका दोस्तों एक ये पार्ट है जो कि यहाँ से टूट गया है, ये पूरा एक पार्ट होता है, ये दोस्तों आप देख रहे हो इसको, ये पूरा एक ही होता है, पर ये क्या है यहाँ से ब्रेक हो गया ये। तो इसको भी हमें इस वायरिंग को फिट करना पड़ेगा इसमें, तो ये भी हम फिट कर देते हैं। इस पत्ती में फिट होगा ये, जिससे कि ये जो वायरिंग है वो टेफ्लॉन से नहीं टकराएगी अंदर, तो टेफ्लॉन को क्या है डैमेज होने से ये बचाएगी। तो मैं ये वायरिंग है इसमें फिट कर देता हूँ, फिर इस पत्ती में भी इसके नट बोल्ट लगा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको मशीन में इसको फिक्स करके दिखाऊँगा। तो दोस्तों इसको मैंने अच्छे से इसकी प्लग वगैरह भी फिट कर दी है, और ये जो पार्ट था वो भी मैंने यहाँ लगा दिया वायरिंग फिट करके, और इसके सारे स्क्रू को भी मैंने इसमें अच्छे से कस दिया है। तो चलिए दोस्तों इसको अब हम मशीन में फिट करते हैं। तो दोस्तों ये है मशीन हमारी। दोस्तों इसमें मशीन में फिक्सिंग को फिट करने के लिए इस पे यहाँ पे आप देख रहे हो एक इधर स्टैंड है और एक यहाँ है, इस पे फिक्सिंग को रख के हल्के हाथों से हमें अंदर की तरफ प्रेस करना है। तो इसमें ये प्लिक है यहाँ पे, ये वाली प्लिक अटैच हो जाएगी यहाँ पे अंदर की तरफ है।
यहाँ पे इसमें जाके कनेक्ट होगी। तो दोस्तों हमें अच्छे से सेटिंग बिठा के इसको प्रेस करना है और फिर उसके बाद इसके नट लगाना है। तो मैं इसको रख लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसमें फिक्सिंग को फिट कर दिया है और इधर के दोनों स्क्रू लगा दिए, एक स्क्रू ये है और एक ये बाहर लगता है। इनको अच्छे से कस के अब मैं मशीन को चालू करता हूँ। तो दोस्तों ये है एलिमेंट को चेंज करने की प्रोसेस। तो दोस्तों यही प्रोसेस आप अपनाना और केयरफुली काम करना, जिससे कि आपका नुकसान ना हो। क्योंकि दोस्तों इसमें काफ़ी इसके जो सामान हैं काफ़ी महंगे मिलते हैं, इसलिए आप जो भी इसमें पार्ट्स को चेंज करें उसमें थोड़ी सावधानी बरतें, उसकी थोड़ी नॉलेज लें, उसके बाद ही आप इसमें काम करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको हेल्पफुल और आपको जानकारी मिली हो, इससे कुछ सीखने मिला हो, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको ऐसी टेक्नोलॉजी वाली वीडियोस और हेल्पफुल वीडियोस आगे मिलती रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।